दोस्तों बॉलीवुड हमें दिखाता है कि किसी खास इंसान को ढूंढना कितना अहम है। हम पहले ही देख चुके हैं कि फिल्म कुछ कुछ होता है कि लास्ट में राहुल आखिर अपनी अंजलि से कैसे मिलते हैं, बद्री की दुल्हनिया में काफी रुकावटों के बाद भी बद्री आखिरकार विधि से शादी कैसे करता है। दोस्तों बॉलीवुड ने हमें सिर्फ हैप्पी एंडिंग ही दिखाई है, कैसे वो आखिर में मंडप तक जाते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। पर क्या आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने अपनी लवर्स के साथ चीट किया है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से एक्टर हैं जिन्होंने अपनी लवर्स और पत्नियों के साथ धोखा किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रणबीर कपूर। दोस्तों रणबीर कपूर फैमिली के बेटे हैं। रणबीर कपूर बॉलीवुड में उनकी फेमस प्लेबॉय नेचर की वजह से फेमस हैं। ये कई ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं जिनमें दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ शामिल हैं। पर हर बार रणबीर अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करता है और दूसरे रिलेशनशिप में जुड़ जाता है। इन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड गर्लफ्रेंड सोनम कपूर को भी चीट किया था। अक्षय कुमार। दोस्तों अक्षय कुमार बॉलीवुड में बिग टाइम फ्लर्ट रह चुके हैं। ये कई एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं जिनमें आयशा झोलका, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड्स को चीट किया करते हैं और फिर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी वाइफ ने भी इन्हें वार्न किया है। जब इनकी वाइफ को पता चला कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं। सैफ अली खान। दोस्तों सैफ अली खान एक चीटर हस्बैंड बन गए। जब इन्होंने एक इटालियन मॉडल रोसा कैटालना को डेट किया तब वो पहले ही अमृता सिंह से शादी कर चुके थे। जब अमृता को सैफ अली खान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला तो वो सारा और इब्राहिम के साथ घर छोड़कर चली गयी। कार्तिक आर्यन। दोस्तों कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के न्यू प्लेबॉय माने जाते हैं। बॉलीवुड में आने से पहले कार्तिक अपनी दो गर्लफ्रेंड्स को छोड़ चुके थे। नुसरत बरूचा कार्तिक की पहली गर्लफ्रेंड थी। दोस्तों कार्तिक बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। उसके बाद कार्तिक बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को भी डेट कर चुके हैं। पर सुनने में आ रहा है कि कार्तिक और सारा अली खान का ब्रेकअप हो गया है और अब कार्तिक अनन्या पांडे को डेट कर रहे हैं। ऋतिक रोशन। दोस्तों शादीशुदा होने के साथ ऋतिक रोशन कई एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं जिनमें बाबरा मोरी और कंगना रनावत शामिल हैं। और फिर सुजे ने ऋतिक रोशन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानकर अपने चीटर हस्बैंड को डिवोर्स देने का फैसला किया। शाहरुख खान। दोस्तों गौरी खान के पति शाहरुख खान का डॉन 2 मूवी की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर था। गौरी खान ने उन्हें रंगे हाथों शूट पे पकड़ा और प्रियंका को प्रोडक्शन हाउस रेड चिली से फौरन बैन कर दिया। आमिर खान। दोस्तों आमिर खान लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान किरण राव से प्यार कर बैठे। उस टाइम पर आमिर खान अपनी एक्स वाइफ रीना दत्ता के साथ बंधन में थे। ये जानने के बाद रीना ने अलग होने का फैसला किया और 16 साल के रिश्ते को 2002 में तोड़ने का फैसला किया। फरहान अख्तर। दोस्तों फरहान अख्तर की डिवोर्स बॉलीवुड की वन ऑफ द शॉकिंग डिवोर्स में से एक थी। फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधूना भवानी ने 2017 में रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। रूमर्स थे कि फरहान अख्तर आदित्य राव हैदरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में थे। अधूना और फरहान अख्तर आखिरकार 2017 में अलग हो गए। अजय देवगन। दोस्तों अजय देवगन बॉलीवुड की लीडिंग लेडी कंगना रनावत के साथ अफेयर में थे पर ये रिलेशनशिप कुछ साल ही चल पाया। ये अफेयर बॉलीवुड का वन ऑफ द सीक्रेट मैरिटल अफेयर था। हर्षवर्धन कपूर। दोस्तों सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन कपूर बॉलीवुड के दूसरे रोमियो हैं। ये सीक्रेटली बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ रिलेशनशिप में थे और सारा के बाद इन्होंने खामोशियां फिल्म की एक्ट्रेस पाबी को चीट किया। तो दोस्तों ये थे वो बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स और पत्नियों के साथ चीट किया है। आपको इन एक्टर्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं।